आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज तारीख है 22 सितंबर 2022 और आज हम मौजूद हैं दोबारा से मंडी बहुत ही रेलवे स्टेशन पर। आज हमारा यहाँ होने का मकसद रेल फैनिंग करना है और आपको एक ही ट्रेन हमारे पास बची हुई है 135 और 136 और उसका अराइवल और डिपार्चर कैप्चर करके दिखाना है। गाइस ट्रेन जल्द से जल्द ऑपरेशनल होंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो जैसे ही ट्रेन ऑपरेशनल होती हैं हम आपको मिल्लत एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, इसके अलावा उम्मीद है कि जल्द से जल्द चनाब एक्सप्रेस, अलमारू धमाका एक्सप्रेस अपने वापस जो उसके 3 ट्रिप्स हुआ करते थे वो दोबारा से अपने 3 ट्रिप्स किया करेगी। और जो यहाँ के सेक्शन की जो आवाम है, जो कि जिनके पास रोड्स की इतनी वसत नहीं है, उनको दोबारा से अपने सफ़र से मुस्तफ़ीद करेगी। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मंडी बहुत ही रेलवे स्टेशन पर और मौसम आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारा हो रहा है। तो आपको बताते हैं कि ट्रेन्स कब ऑपरेशनल होंगी, अभी कोई पक्की डेट नहीं आई है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से, जैसी कोई पक्की डेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो दोस्तों अभी स्टेशन पे 135 डाउन के अराइवल के लिए बैल बजी है, तो तकरीबन चेलियाँ वाला से उसका डिपार्चर हो गया होगा। तो थोड़ी देर में मंडी बहुत ही रेलवे स्टेशन पे अपना अराइवल बनाएगी, तो जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं हम आपको उसका अराइवल कैप्चर करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आज एक और ख़ास बात है जो कि सिर्फ मेरे चैनल के लिहाज से खास है, बट जो मेरे पक्के व्यूअर्स हैं उनके लिए भी खास होगी, कि आज हम मंडी बहुद्दीन रेलवे स्टेशन से किसी पहली डाउन ट्रेन का अराइवल कैप्चर करेंगे। पहले हमने एक डाउन ट्रेन को कैप्चर किया था, बट वो हमने शायद आज रेलवे स्टेशन पर उस डाउन ट्रेन, वो थी 136 डाउन चनाब एक्सप्रेस, उसको कैप्चर किया था। तो आज हम पहली दफ़ा अपने ट्रेन एंड ट्रैक्स चैनल पे अपलोड करेंगे किसी डाउन ट्रेन की वीडियो, जो कि 136 डाउन चनाब एक्सप्रेस ही होगी। जाहिर सी बात है क्योंकि अभी फ्लड पेंडेमिक की वजह से कोई ट्रेन ऑपरेशनल नहीं है, जो कि एक्सप्रेस ट्रेन हैं तो सिर्फ पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं। तो जिनमें ये हमारे सेक्शन की सिर्फ एक ही पैसेंजर ट्रेन है वो है चनाब एक्सप्रेस, अलमारूफ धमाका एक्सप्रेस, तो सिर्फ एक ट्रिप कर रही है, वो वन अप की होती है और एक डाउन की होती है सिर्फ। तो जब वो यहाँ पर पहुँचती है हम आपको आज उसका पहली दफ़ा अपने चैनल से किसी डाउन ट्रेन को कैप्चर करके दिखाएंगे मंडी बहुत ही रेलवे स्टेशन पर उसका अराइवल। तो दोस्तों ये पटरियों पे जो आप हरियाली देख रहे हैं, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा दीद को सुकून बख्शने वाली चीज़ है, मगर ये जो रेलवे के ट्रैक्स हैं उनके लिए बहुत बुरी चीज़ साबित होती है, क्योंकि ये जो ट्रैक होते हैं उसको खस्ता कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं रेलवे ट्रैक को। तो रेलवे को थोड़ी इस पर तवज्जो देनी चाहिए। भाई यहाँ पे आपकी दो एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं बड़ी, जो कि बड़ी ट्रेन में जिनका शुमार होता है हज़ारा एक्सप्रेस और मिलत एक्सप्रेस उनमें शामिल है। इसके अलावा भी काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रेन यहाँ से चलती थी जिनमें सुपर एक्सप्रेस भी शामिल है। तो प्लीज़ इस ट्रैक पर थोड़ा गौर फिक्र किया जाए और इसकी जो हालत है उसको थोड़ा संवारा जाए। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस ट्रैक के ऊपर जितने भी जहाँ पे काम होने वाली, जितना भी ये ट्रैक खस्ता हाल है उसको ठीक किया जाए। ज़्यादा फुलरवान से आगे जितना भी सेक्शन है ये, वो सिर्फ 40 किलोमीटर का सेक्शन है, उसको थोड़ा अपग्रेड किया जाए ताकि मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मुहैया हो सकें। क्योंकि इस सेक्शन पे जितने भी स्टेशन आते हैं, जितने भी बड़े शहर आते हैं, उनका रोड्स के साथ जो ताल्लुक है वो इतना खासा नहीं है, बहुत कम रोड्स के साथ इस पूरे सेक्शन पे जितने भी स्टेशन हैं उनका ताल्लुक है। तो सारी आवाम जाहिर सी बात है तो ट्रेन पर सफ़र करने को ही ज़्यादा तरजीह देती है। तो आप अगर कोई उनको सहूलियात मुहैया करेंगे तो वो आप लोगों से भी कोऑपरेट करेंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ पर मज़ीद एक्सप्रेस ट्रेन को बहाल किया जाए। आप अगर नहीं चला सकते तो कम से कम जो यहाँ पे जो पुरानी ट्रेन थी कम से कम उनको ही बहाल कर दिया जाए, जिनमें रोही एक्सप्रेस काबिले ज़िक्र है उसको भी बहाल किया जाए, जो कि पहले रावलपिंडी से लेकर खानेवाल तक चलती थी, फिर बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया गया था रोहड़ी तक। तो मज़ीद ध्यान दिया जा सकता है इस सेक्शन पर, तो ये सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे के लिए ये बहुत अच्छा फैसला साबित होगा। तो दोस्तों मंडी बहुत ही रेलवे स्टेशन पे एक छोटा सा गार्डन भी मौजूद है, जो कि इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ के जो स्टेशन मास्टर हैं उनको ग्रीनरी से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो उन्होंने माशाल्लाह से स्टेशन को बहुत ज़्यादा ग्रीन रखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह से बहुत प्यारा यहाँ पर उन्होंने गार्डन सा बनाया हुआ है एक, और इर्द गिर्द भी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी हरियाली है। और ये एक छोटा सा पार्क मौजूद है जो कि रेलवे पार्क के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं मंडी बहुत ही रेलवे स्टेशन के, जिनमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 शामिल हैं, वो भी माशाल्लाह से काफ़ी ग्रीन है। तो ग्रीनरी की कोई कमी तो नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ट्रैक्स भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। तो
सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ की कमी है वो है ट्रेन्स की कमी है इस सेक्शन पे। तो इस सेक्शन पे बहुत ज़ोरों शोर से सबकी ये सबका मुतालबा है कि यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन्स को बहाल किया जाए, जो कि पहले यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी ताकि मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मिल सकें। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन के यार्ड में। देख सकते हैं आप यार्ड भी मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन का काफ़ी हरा भरा और फूलों से फूलदार जो पौधे हैं उनसे आवेज़ा किया गया है। तो गाइस, ये लूप लाइन है मालगाड़ियों के लिए जो कि फ्रीड प्लेटफार्म की तरफ जाती है, यानी कि प्लेटफार्म नंबर 3 की तरफ। और जो ये रेलवे लाइन आप लोग देख रहे हो, ये प्लेटफार्म नंबर 2 की लूप लाइन है, जो कि बाज़ोकात सिंगल लाइन सेक्शन है चूँकि ये ट्रेन को क्रॉस देने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये आप लोग देख रहे हो प्लेटफार्म नंबर 1 की मेन लाइन है, मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 1 मेन लाइन पर मौजूद है। और जो ये आप चौथी लाइन देख रहे हो, ये फ्रीट स्टेशन की तरफ जा रही है, जो कि पूरा का पूरा एक फ्रीट यार्ड है। मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन का एक अलहदा से फ्रीट स्टेशन बनाया गया है, तो ये रेलवे लाइन फ्रीट स्टेशन की तरफ जा रही है। तो टोटल मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन के यार्ड में 4 लाइनें निकलती हैं, 4 ट्रैक्स निकलते हैं, जो कि मुख्तलिफ प्लेटफार्म और मुख्तलिफ स्टेशन पर जाके कनेक्ट होते हैं। अभी इंतज़ार हो रहा है 136 राउंड चनाब एक्सप्रेस के अराइवल का। आज उसका अराइवल हम यहाँ से कैप्चर करेंगे। उम्मीद है कि हमें डिपार्चर भी मिल जाए, क्योंकि इतनी जल्दी उसके लोकोमोटिव तक यहाँ से पहुँचना तकरीबन एक नामुमकिन सी बात है। तो अगर फिर भी हम पहुँच सके तो आपको उसका डिपार्चर ज़रूर कैप्चर करके दिखाएंगे। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही हो, मेरे ख्याल से मुश्किल से आ रही होगी, तो अभी प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट हो रही है 136 राउंड चनाब एक्सप्रेस के अराइवल के लिए। तो दोस्तों, अभी अनाउंसमेंट हुई है 136 राउंड चनाब एक्सप्रेस के अराइवल की मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन पर। तो थोड़ी देर में तकरीबन 10 से 5 मिनट में 136 राउंड यहाँ पे अराइवल बनाएगी, तो हम आपको उसका अराइवल कैप्चर करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, 136 राउंड चनाब एक्सप्रेस के लिए सिग्नल डाउन हो गए, चलियाँ वाला से निकल चुकी है और मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन पर थोड़ी ही देर में अपना अराइवल बनाएगी। तो जब अराइवल बनाती है, हम आपको उसका अराइवल भी कैप्चर करके दिखाएंगे। आज हम यहाँ से अराइवल कैप्चर करेंगे, स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मुश्किल से ही डिपार्चर शायद कैप्चर हो। अगर हो गया डिपार्चर तो वेल एंड गुड, अगर ना हुआ तो लल्ला खैर सल्ला, फिर हम कर भी क्या सकते हैं। और इसके अलावा तो जब यहाँ पर 136 राउंड पहुँचे तो हम आपको उसका अराइवल कैप्चर करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, 136 राउंड चनाब एक्सप्रेस मंडी बहाउद्दीन सिटी की हदूद में दाखिल हो चुकी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन पे अपना अराइवल बनाएगी। GMCU एज यूजुअल इसके लीड पे है। एडवांस्ड आउटर सिग्नल भी डाउन हो गया। रेलवे क्रॉसिंग भी क्लोज है। सारे इंतजाम हो चुके हैं 136 डाउन के अराइवल के मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन पर। तो 136 डाउन चनाब एक्सप्रेस अराइवल बना चुकी है मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन पर। अब इसका डिपार्चर कैप्चर करने के लिए भागते हैं स्टेशन की तरफ वापस। दोस्तों, 136 डाउन मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन पे स्टेशन हो गई है प्लेटफार्म नंबर 1 पे। भागते भागते हम लोग स्टेशन पे पहुँचे हैं, सांस भी फूल गया। तो लोकोमोटिव तक देखते हैं पहुँच पाते भी हैं या नहीं।
क्योंकि ट्रेन काफ़ी आगे है, लोकोमोटिव ट्रेन का रश भी काफ़ी ज़्यादा है प्लेटफॉर्म पे, तो देखते हैं हमारी किस्मत हमारा साथ देती भी है या नहीं। आज बहुत ज़्यादा रश है अली गोदी रेलवे स्टेशन पे, जिसका मतलब है कि ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर रुकेगी और फॉर्चुनेटली हम इसका डिपार्चर भी कैप्चर करेंगे और बोथ विसल्स को भी हम आज कैप्चर करेंगे। काफ़ी सवारी उतरी है मंडी महोदय रेलवे स्टेशन पर, लोकोमोटिव आप काफ़ी पीछे खड़ा हो गए 136 ऑन शाम एक्सप्रेस का। तो दोस्तों फर्स्ट डिपार्चर भी सर हो गया, सिग्नल भी डाउन हो गया 136 ऑन शाम एक्सप्रेस के लिए। GMCU 154903 आज ट्रेन की लीड पे है, कुंदिया शेड का लोकोमोटिव है 1500 हॉर्स पावर का। इस 136 लॉन्च नाब एक्सप्रेस का मंडी बहुदी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो गया। नेक्स्ट स्टेशन इसका होगा हरिया रेलवे स्टेशन, वहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप करेगी और फिर आगे मलकवाल सरगोधा के लिए रवाना हो जाएगी। तो दोस्तों आपने अभी डिपार्चर और अराइवल कैप देखा है 136 लॉन्च नाब एक्सप्रेस का मंडी बहुदी रेलवे स्टेशन पर। आज हमने अपने चैनल की तारीख में पहला डाउन ट्रेन का मंडी बहुदी रेलवे स्टेशन से अराइवल और डिपार्चर कैप्चर किया है। डिपार्चर तो हमें बहुत औखा ही मिला है क्योंकि हम स्टेशन से काफ़ी दूर पीछे वो रेलवे क्रॉसिंग के पास चले गए थे, तो वहाँ से वापस आना काफ़ी एक पहाड़ अबूर करके आने के मुतरादिफ़ था। तो फाइनली किस्मत से हमें इसका डिपार्चर भी मिल गया और बोथ विसल्स को भी हमने कैप्चर कर लिया है। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो तभी अपलोड होगी जब सारी एक्सप्रेस ट्रेन्स रवा दवा हो जाएंगी इस सेक्शन पर। तो दुआ कीजिए आप सब लोग भी, और हम लोग भी कोशिश करते हैं रेलवे इंतज़ामिया से ताल्लुक़ में रहने के लिए, आप सब लोगों के कीमती व्यू पॉइंट्स उनके साथ शेयर करने के लिए कि आवाम में कितना जोश जज्बा पाया जा रहा है कि जल्द अज़ जल्द जो ट्रेन्स बंद हैं एक्सप्रेस ट्रेन्स उनको जल्द अज़ जल्द रिस्टोर किया जाए, फंक्शनल किया जाए, ताकि यहाँ के जो मुसाफिर हैं उनको सफरी सहूलियात मुहैया हो सकें। आप सब लोगों से जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में जब ट्रेन्स दोबारा फंक्शनल हो जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।